भाई तेरे को एक बात बताऊं, YouTube के गेम में अगर आग लगानी है तो दिन रात वीडियो बना, दिन में दो वीडियो बना, चार वीडियो बना, पांच वीडियो बना के डालता रहे। तो यार ये सब तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, मैंने भी बहुत बार बोल रखा है वैसे। लेकिन बहुत सारे लोगों से आप ये चीज सुनते रहते होंगे कि रोज दिन में इतनी वीडियो बना के डाल दो, आपका चैनल ग्रो करने लग जाएगा, कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाओ आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। और बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप अपने चैनल पे इतनी वीडियो रोज डालोगे तो आपका चैनल ग्रो करने लग जाए। तो अब इस चीज को मैं निग्लेक्ट नहीं कर रहा कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसिस्टेंसी से कहने का मतलब क्या है वो जनरली लोग नहीं समझ पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना यार, बहुत सारे लोग आप बॉडी बनाते होगे, जिम विम जाते होगे, मतलब मैं तो कम ही जाता हूँ यार वैसे, कभी कभी जाता हूँ, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको बॉडी बनानी है और आप रोज जिम जाते हो, कंसिस्टेंसी पूरी है, डिसिप्लिन के हिसाब से रोज जिम जा रहे हो, बढ़िया डाइट ले रहे हो, सब कुछ चल रहा है, लेकिन रोज एक्सरसाइज करके आने के बाद भी बॉडी में कोई खास चेंज तो दिखता नहीं है। रोज आप एक्सरसाइज करके आते हो, थोड़ी देर लगता है कि हाँ यार मेरी बॉडी बॉडी बन गई है, लेकिन उसके बाद एक दो महीने मेहनत करने के बाद ऐसा लगता है यार कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ यार जिम करा था लेकिन ऐसे ही हुआ मेरे साथ। और अब ये जो जिम वाला खेल है यार, ये बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि किसी की बॉडी को ज्यादा जिम करने की जरूरत है, किसी की बॉडी को कम जिम करने की जरूरत है, किसी को डिफरेंट डाइट प्लान फॉलो करना है, किसी को कुछ डाइट प्लान फॉलो करना है। और ज्यादा एक्सरसाइज करनी भी ठीक नहीं है, कम एक्सरसाइज भी करनी ठीक नहीं है। तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है। मतलब इसको अगर रिलेट कर पाओगे आप कि अगर हम बैलेंस बना के रखें कि एक बैलेंस तरीके से डाइट ले और एक बैलेंस तरीके से एक्सरसाइज करे, तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल, फिट लाइफस्टाइल और एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं जिम जा। तो भाई यही गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी यूट्यूब की है। यूट्यूब भी हमारे से यही मांग रहा है। यूट्यूब हमारे को क्या कहता है कि इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस पाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाते रहो और उसमें वैल्यू भी हो, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी का एक बैलेंस। मतलब रोज ही वीडियो जबरदस्ती बनाने के चक्कर में कि लोगों को कुछ देना ही आप वीडियो बनाए जा रहे हो, नहीं, क्वांटिटी भी है, एक क्वांटिटी को भी आपको मैनेज रखना पड़ेगा और क्वालिटी भी मैनेज रखनी पड़ेगी कि आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देना है कि जो ऑडियंस को हेल्प करे। देखो हम भी रेगुलर कंटेंट बना रहे हैं लेकिन आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में फोकस है, बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके कुछ स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं, देन उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और आपको क्या हेल्प करेगा उस हिसाब से हम कंटेंट बनाते। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, मतलब क्रिएटर बनना चाहते हो और इस जर्नी पे ग्रो करना चाहते हो, तो सोच क्या रहे हो भाई, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पर ऑल कर दो ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यही चीज यूट्यूब आपसे मांगता है, कंसिस्टेंटली आपको वीडियो बनाना है और क्वालिटी कंटेंट बनाना है जो व्यूअर्स को पसंद आए। और मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं यार जो फटाफट चैनल चलाते हैं, दो चार वीडियो डाली, पांच छह वीडियो डाली, उसमें व्यूज नहीं आए, लगा कि लोग नहीं देख रहे हैं यार, मेरे को कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई व्यू नहीं दे रहा, तो वो इस यूट्यूब वाले जर्नी को छोड़ देते। और कुछ मैंने ऐसे देखे जो इतनी बुरी तरीके से कंटेंट डालते हैं कि सुबह से शाम तक बस चैनल पे कुछ ना कुछ चाहे गंदी डालना है लेकिन डालते ही जा रहे हैं, तो उनकी ऑडियंस ही उनसे तंग आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर। अब देखो जो लॉन्ग टर्म इस यूट्यूब जर्नी को लेके चलना चाहते हैं तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट यही है, कंसिस्टेंसी ही आपको इसमें आगे लेके जाएगी। मतलब रेगुलर कंटेंट पोस्ट करोगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन रेगुलर कंटेंट पोस्ट करने के साथ साथ क्या वो क्वालिटी कंटेंट है, क्या आपकी ऑडियंस की हेल्प कर रहा है, उनके जो पेन पॉइंट्स है क्या वो उसको सॉल्व कर रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी का बैलेंस, यही गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी है YouTube। अब देखो फंडा तो पहले ही बता दे लेकिन आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हो, क्वालिटी क्वांटिटी इस गेम को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आपको अभी बताने वाला हूं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, तभी सब चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज तो फिर वही जो आप कर रहे हो, आज ये वीडियो देखोगे फिर कहोगे यार चल बनाता हूं, फिर छोड़ दोगे, फिर खत्म कर दोगे। तो मेरा काम क्या है, आपको हाथ पकड़ के साथ में लेके चलना। तो भाई चलना है हाथ पकड़ के साथ में तो पूरा वीडियो तो देखना पड़ेगा, तो एंड तक जरूर देखना। तो अभी तक हमने क्या समझा, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि एक डिसिप्लिन तरीके से क्वालिटी कंटेंट अपने चैनल पे पोस्ट करना। फ्रीक्वेंसी कुछ भी रह सकती है, मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे जो एक वीक में एक वीडियो डालते हैं लेकिन हर वीक वो एक वीडियो डालते हैं और उनकी ऑडियंस उसे भी देखती है। कुछ लोग होते हैं जो एक वीक में दो वीडियोस डालते हैं बट कंटेंट इतना अच्छा होता है कि ऑडियंस वेट करती है कि यार ऐसा कंटेंट देखने को मिले, तो उनके चैनल भी अच्छे ग्रो करते हैं। तो दैट मींस कंसिस्टेंसी इज कि आपने अपने आप को एक कमिटमेंट किया, कमिटमेंट मांगता है यूट्यूब आपसे कि आपने बोला कि मैं इतनी वीडियोस ऐसे करके पोस्ट करूंगा, इसको अच्छे से एडिट करूंगा, अच्छे से क्वालिटी कंटेंट बनाऊंगा, अच्छे से लोगों को सिखाऊंगा और वो चीज आपको मैनेज करनी। तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी का बैलेंस कैसे होगा, जरूरी नहीं है जबरदस्ती की यार रोज ही वीडियो डालनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा चैलेंज अपने आप को मत दो। अच्छा क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो लेकिन रेगुलरिटी से, मतलब एक वीक में अगर दो वीडियो डाल रहे हो तो हर वीक दो वीडियो डालो, एक वीक में अगर चार वीडियो डाल रहे हो तो हर वीक चार वीडियो ही डालो। और अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट पोस्ट करना है तो कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई कम्युनिटी पोस्ट, ऐसी सब चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। और वीडियोस में आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, हर वीक में दो वीडियोस डालूंगा या चार वीडियोस डालूंगा या छह वीडियोस डालूंगा,
दैट इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। तो मैं आपको बताता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी आपको कितनी रखनी है, बट फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का। सपोज आपका अगर चैनल कोई एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करता है, जैसे कोई एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जैसे SSC, बैंक PO ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराता है, तो इसके लिए आपके लिए शेड्यूल बहुत जरूरी है और इसमें आपको बहुत क्वालिटी कॉन्टेंट भी पोस्ट करना पड़ेगा ताकि आपके जो स्टूडेंट्स है वो फेल ना हो जाए, मतलब किसी एग्जाम में उनको वहां से अच्छा रिजल्ट मिले आपकी वीडियोस को देखने के बाद। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करना। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया और आप उसके बाद आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा और बच्चों की हेल्प भी नहीं करेगा। तो ऐसे कैटेगरी में आपको अपना कंटेंट ऐसे प्लान करना है कि आपका कंटेंट पूरा का पूरा एग्जाम आने से पहले पोस्ट हो चुका हो और बच्चों के पास प्रिपेयर करने का टाइम भी हो और आपसे डाउट्स पूछने का टाइम भी हो। तो ये सारी चीजें आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी अगर एजुकेशनल फॉर्म ऑफ कंटेंट डाल। अब कुछ लोग व्लॉगिंग चैनल बनाते हैं, मैं देख रहा था सौरभ जोशी व्लॉग्स करके चैनल है, वो ग्रो कैसे कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी है भाई, रेगुलर रोज वीडियो डालना है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे घर पे बैठ के वीडियो बनाना है या घर पे बैठ के व्लॉग डालना है, लेकिन रोज वीडियो डाल। और इतने सब्सक्राइबर गेन करने के बाद भी मैं यही चीज सीख पाया कि यार वो भी कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और उनको पता है कि यार यूट्यूब का एल्गोरिथम वर्क ही ऐसे करता है, मैं रोज कंटेंट नहीं डालूंगा तो जो मेरी वीडियोस ऊपर आती है, कोई भी लोग ब्लॉगिंग के बारे में सर्च करते हैं तो वो ऊपर नहीं आएंगे और मेरा कंटेंट नीचे चला जाएगा और यूट्यूब नीचे गिरा देगा मेरा। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मतलब क्या है, मतलब खाली ये नहीं कि आपको कंटेंट ही पोस्ट करना है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी का एक ऐसा बैलेंस अगर आप बना लो तो मतलब आपका चैनल ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता, जैसे इस चैनल को कोई रोक नहीं पाएगा 1 मिलियन होने से। और अगर आप इस जर्नी पर चलना चाहते हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन पर ऑल कर दो, सो दैट फ्यूचर में ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इस कंसिस्टेंसी को कैसे फॉलो करना है, मैं आपको ऐसी 2 ट्रिक्स बताऊंगा और ये 2 ट्रिक्स आपको इतनी ज्यादा वैल्यूएबल लगेंगी कि आप आगे से इसको फॉलो करोगे, क्योंकि मैंने भी इसको फॉलो करना स्टार्ट किया है, आप आगे से इसको फॉलो करोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि मेरा सब कुछ बढ़िया भी चल रहा है और मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। तो ये 2 ट्रिक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। पहला है वीडियो शेड्यूलिंग, मतलब पहले आप ये सोचो कि यार मैं 10-20 दिन का कॉन्टेंट बना लूँ, भले यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, 10-20 दिन का कॉन्टेंट बना लूँ, मतलब 10-20 वीडियोस बना के रखूं और उनको शेड्यूल कर दूं और फिर उसके बाद आगे कंटेंट बनाता रहूं रेगुलरली, जो मैंने डेज के लिए प्लान किया, ताकि आपकी जो वीडियोस है एक स्पेसिफाइड डेट स्पेसिफाइड टाइम पे रेगुलर अपलोड होती रहे और रेगुलर आपके ऑडियंस के पास जाती रहे और फ्यूचर में जो आप मेहनत कर रहे हो वो भी करते रहो, सो दैट आगे का डेटा भी शेड्यूल होता रहे। तो कम से कम आपको ऐसा करना है कि 15 days to 1 month 15 डेज बेयर मिनिमम, 1 month ऑन अ मैक्सिमम आपका इतना डेटा शेड्यूल रहे ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो और आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते। तो एक बहुत सिंपल सा फीचर है और यूट्यूब पे होता है, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे शूट करना है, शूट करने के लिए ना यार माइंड प्रिपेयर करना, उसके बाद भाई आवाज का सेटिंग करना, कैमरा लगाना, माइक लगाना, ये इतनी सारी चीजें, इतना बड़ा झोल है। मतलब अभी मैं बताऊं आपको यार, ये वीडियो शूट करते करते मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं, कभी मेरा कैमरे का वो डेटा खत्म हो जाता है, माइक में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पता नहीं क्या। तो समझ सकते हो कि यार एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है। मतलब जब भी आप सेटअप लगाते हो और शूट करते हो तो ट्राई करो अगर बैकग्राउंड सेम रहे, जैसे आप मेरी वीडियोस में देखते हो बैकग्राउंड सेम है, तो 3-4 वीडियोस एक साथ शूट कर लो और उनको फिर एक साथ एडिट करो ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। मतलब आपके पास 3-4 वीडियोस का डेटा, आप एडिट करते रहो और उसको अपडेट करते रहो अपने वीडियो शेड्यूलर में। और सिमिलरली ऐसे ही फिर आप जैसे आप 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर प्लान करते हो, फिर कुछ स्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट करते हो और फिर 3-4 वीडियो शूट करते हो, तो ऐसे चंक्स में वीडियो शूट करो ताकि आपका शेड्यूलर लगा रहे और वीडियोस आपकी कंसिस्टेंटली जाते रहे। तो अब मेरे भाइयों, आप इन टिप्स को तभी यूज कर पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा कि मेरी ऑडियंस की नीड क्या है और उस हिसाब से मुझे कैसे कंटेंट बनाना। जैसे मुझे लग रहा है यार मैं क्रिएटर्स की नीड पूरी कर रहा हूँ और मुझे वहां पे जो भी मुझे लगता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो बहुत सारे लोग भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, तो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके मैं उनका सॉल्यूशन देता हूँ। और ये प्रॉब्लम्स बहुत डायनामिक है यार, करते करते समझ में आता है अच्छा यार ये गलती है और इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा यार हाँ ये गलती अगर मेरे से हो रही है तो मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँ। तो उस हिसाब से हम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ आपको रेगुलर कंटेंट देता रहूँ और क्वालिटी कंटेंट भी देता रहूँ। सिमिलरली आपको ट्राई करना है कि रेगुलरिटी से कंटेंट भी डालना है, कंसिस्टेंसी से और क्वालिटी कंटेंट भी डालना है, इनका बैलेंस मेंटेन कर। फिर देखो आपका चैनल कैसे 1,000, 10,000, 1,00,000, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ता जाएगा। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मजा आया वीडियो को देखने में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दो। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।